हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक&सन्स जॉब कंसल्टेंसी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं हर वीडियो में आपसे, क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप नहीं देख सकेंगे और आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे पास क्या वैकेंसीज चल रही है। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन आपको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाने से आपको वीडियो मिस हो जाएगी, आप देख नहीं सकते, तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। आइए, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, कोई चार्ज नहीं लगने वाला, इसके लिए ये फ्री है। तो चलिए, जो वैकेंसी है उसके बारे में बताता हूँ आपको, आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास जो वैकेंसीज है वो आईटी के जो लोग हैं, जो डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं, उनके लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, अच्छी डिपार्टमेंट में काम है, अच्छी कंट्री में काम है। ठीक है, इस तरह के लोग जॉब है ना ढूंढते हैं और चाहते हैं कि इस तरह का काम मिले। तो आज हमारे पास की वैकेंसी है, तो जो भी भाई इसमें जाना चाहते हैं फटाफट खुर्शीद को कॉल कीजिए ये पूरा वीडियो देखने के बाद। और अगर रात में आप देख रहे हैं वीडियो तो मत कॉल कीजिएगा। ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक है, फ्राइडे को छुट्टी है। ठीक है, तो अपना जो ऑफिशियल टाइम जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, वैकेंसी डिटेल बताता हूँ आपको और बताता हूँ क्या क्या है इसमें और क्या करना है आपको, क्या मिलेगा और कंपनी क्या देगी। ठीक है, तो ये रियाद में वैकेंसीज है, सऊदी अरबिया रियाद। ठीक है, रियाद सऊदी कैपिटल है, अच्छी कैपिटल में है। और ये जो है आईटी कंप्यूटर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ठीक है, आईटी कंप्यूटर टेक्नीशियन, जो डिप्लोमा भी किए हुए तो चलेगा, जो डिग्री किए हुए चलेगा, लेकिन गल्फ का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2 मैक्सिमम 4 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ की। और ये जो है सऊदी अरबिया के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में आपको काम है। ठीक है, आपको जो काम मिलेगा मिनिस्टर ऑफ इंटरनल, ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ इंटरनल के डिपार्टमेंट में काम है, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में के अंदर में काम है आपको, तो बहुत अच्छी जॉब है। और ये जो कहने का मतलब ये है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम है, इसमें जो काम है 10 घंटे का होगा, जिसमें 1 घंटा ब्रेक होगा, बाकी जो भी है गवर्नमेंट हॉलीडे प्रॉपर्टी वगैरह सब है, सब आपको मिलेगी इसमें। और आपको जो जो काम करना आना चाहिए, ठीक है, आपको जो काम करने का है, मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको जाके बहुत बहुत तरह तरह के जो आईटी में काम करते होंगे, जिनका एक्सपीरियंस होगा तो उनको तो मालूम ही होगा पूरा डिटेल्स। आपको क्या करना है कि आप जब सीवी बना के हमें भेजेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तब सीवी में अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन भी लिखिएगा कि आप क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, और उसके बाद आपको जाके कंप्यूटर रिपेयरिंग वगैरह करना हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस करना हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता। और आपको कम आइए 10 घंटे की ड्यूटी है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी जो वहाँ का लॉ जो कानून है उस हिसाब से आपको छुट्टी वगैरह जो है सब मिलेगा। आपको भेजना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, आपका सी भेजेगा जो बायोडाटा वर्ड्स में भेजेगा। ठीक है, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक पेज भेजिएगा, उसका एजुकेशन का सर्टिफिकेट भेजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजिएगा, और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजिएगा जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे का जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है ना, भाई पासपोर्ट ECNR होना चाहिए, ECNR पासपोर्ट भी नहीं चलेंगे। तो इसमें डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाला। और इसमें जो सैलरी है आपका मेंशन नहीं है, यानी कि सैलरी आपको ऑफर लेटर में ही पता चलेगा क्या है। तो आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि IT प्रोफेशनल वाले को जो डिप्लोमा किए हैं और जिनके 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसको गल्फ में क्या सैलरी क्या रेंज मिलेगा। ठीक है, तो इस अंदाज पे आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद अप्लाई करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, सीधा प्रोसेस है, खुशी को कॉल करके आप बात कर सकते हो उससे, और भी जो जानकारी चाहिए ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, आपको ऑफिस आना पड़ेगा, जो फाइनल है कि आप ऑफिस आएँ, ऑफिस आकर डॉक्यूमेंट जमा करें। इसमें आपको 1 रुपये भी एडवांस नहीं देना है। ठीक है, आप आइए ऑफिस, अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, हम आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह आगे फॉरवर्ड करेंगे, आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तब आपको सिलेक्शन हो जाएगा, जब ऑफर लेट आएगी तो आपको पता चलेगा कि क्या सैलरी क्या है नहीं है। ठीक है, सैलरी जब पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी जगह पे काम है तो सैलरी आपको अच्छी ही होगी,
सैलरी इसलिए उसमें नहीं मेंशन किया हुआ है क्योंकि वो देखेंगे कि आपका सीवी के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस क्या है नहीं है, तब जाके आपको इसमें जॉब मिल सकती है, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत कि आपको ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई नहीं भेज रहा है, ठीक है ना। आप जब ऑफर लेटर देखेंगे, पढ़ेंगे, साइन करेंगे, पढ़े लिखे बंदे हैं, पढ़ेंगे, साइन समझ में आएगा, साइन करेंगे तभी जाएंगे, ठीक है। ऐसे उठा उठा के बैग भर के जाए लगेज करके आपको नहीं भेजे हैं, तो नहीं कोई बात नहीं है। आप आइए ऑफिस, ऑफिस आने के बाद अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और हम आगे आपका प्रोसेस शुरू कर देंगे, और उसके जैसा भी होगा आपको सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन बता देंगे, नहीं सिलेक्शन होगा तो नहीं आएगा। मैक्सिमम क्या होता है, जब सिलेक्शन होगा तो आपको फ़ोन से भी कभी कभी कॉल करते हैं कंपनी वाले, ठीक है। हमारे बहुत से जो मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें कंपनी वाले फ़ोन डायरेक्ट कैंडिडेट को कॉल करते हैं, कॉल कर उनसे पूछताछ भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, यानी कि इंटरव्यू होता है कॉल पे, हो सकता है कॉल भी कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। इसलिए नंबर जो दीजिए, जो आपका पर्सनल नंबर जो आप हमेशा यूज़ करते हैं वो नंबर दीजिएगा। सीवी सॉलिड बनाइएगा, उसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा से डालिएगा, जो जो आप काम करते हैं, जो नहीं जानते वो मत डालिएगा, जो जानते हैं वही डालिएगा, ठीक है। ऐसा कि नहीं कि आप जो नहीं जानते हैं और आपका अट्रैक्शन हो जाए सीवी कंपनी के अंदर और फिर आपको वो पूछेगा तो जॉब नहीं दे सकेंगे तो फिर बेकार है ना, बेइज्जती होगी। इससे बेहतर कि जो आप जो काम जानते हैं आईटी टेक्नीशियन में, आईटी कंप्यूटर टेक्नीशियन जो भी आपको काम मालूम है, तो जो भी आप काम कर सकते हैं वो मेंशन कीजिएगा सीवी के अंदर, और जहाँ जहाँ काम किए हैं जितना भी एक्सपीरियंस है वो मेंशन कीजिएगा। एज लिमिट जो है कम से कम 25 या ज़्यादा 38 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्त अच्छी वैकेंसीज है, फटाफट किसी को कॉल कीजिए। कॉल का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, फ्राइडे छुट्टी है, बाकी आप फटाफट आ सके ऑफिस मिल सकते हैं। ऑफिस मिलने के लिए सबसे ईजी है कि आसन सुलाइए, वहाँ से कॉल कीजिए, खुर्शीद आपको गाइड कर देगा ऑफिस पहुँच जाए, ठीक है ना दोस्त। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों और रिश्तेदारों के लिए और आम पब्लिक के लिए भी। और जाके लास्ट में जो बात है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लिए। बेल आइकन दबाने से आपको ये फायदा होगा फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जान सकते हैं कि हमारे पास क्या वैकेंसी है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नई वैकेंसी, तब तक के लिए।